अच्छा ही नहीं लग रहा आज क्या ऐसी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो सभी को पिला दी है चाय और चाय के जस्ट बाद में बनाना स्टार्ट हो गई हूँ खाना, क्योंकि इतनी जल्दी लगती हूँ ना तब जाके टाइम पे खाना बनता है। और पिया जी और आर्यन भी नहाने चले गए हैं, तो इधर आ गया आर्यन, इसको संभालेगा उसके मामा जी। और आज स्कूल जाने से भी मना कर रहा है, थोड़ी अभी तक तबीयत ठीक नहीं हुई है, इन दोनों की चल रही है मस्ती। ऑफिस नहीं जा रही, ऑफिस नहीं जा रही क्योंकि इसको डर रहता है कहीं मुझे स्कूल नहीं ले जाए। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सभी दोस्तों बहुत अच्छे होंगे। तो भाई अब दोपहर के बज रहे हैं एक, और आज मैंने मॉर्निंग में उठी थी तभी यही सोचा था कि भाई सारा काम मैंने जल्दी ख़त्म कर लूँगी। पर काम का है ना, जिस दिन हम ऐसे रहते हैं ना कि आज जल्दी ख़त्म करेंगे काम को, उस दिन है ना उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो भाई अभी मैं 12 बजे फ्री हुई थी दोस्तों, और आज मेरा बर्थ था तो बहुत स्पेशल डे भी था। तो दोस्तों फाइनली मैं आ चुकी हूँ भाई नहा के, और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई दोस्तों, जल्दबाजी में नहा के आ गई क्योंकि आज मेरा है ना बर्थ है शिव जी महाराज का, तो इसी वजह से थोड़ी जल्दी कर रही थी नहाने की। तो अभी मैं दोस्तों पूजा करूँगी भाई, तो आप लोग मेरी पूजा काफ़ी लेट अच्छी नहीं करती है, टाइम से हो जाए वही सही रहता है। तो आप लोग छोटे थे ना तो ऐसे तो रखे हैंड को ऐसे, जब आप छोटे थे ना तो बंधवाते ही नहीं थे ना, किसी से टीका निकलवाते थे, अब तो बड़े हो गए हैं। अरे यार इस मामा जी को बोलो कि मामा जी जल्दी से इलायची का ऑर्डर कर दो है ना, इलायची का ऑर्डर कर दो। ऑनलाइन सामान आ रहा है ना दोस्तों, इस वजह से हमारा अधूरा सामान आ रहा है, डेट मामा जी करेंगे ना। इलायची मंगा ला और तेल मंगा ला और एक लिया बिस्किट मंगा, और एक क्या मंगाना, और किंडर जॉय मंगाना है। अरे बाप रे मुझे गिरा दिया, किंडर जॉय भी मंगाना है, डैडी ऐसे बोलेंगे इतने पैसों का कल मंगा लिया आज भी इतने पैसों का सामान। तो दोस्तों कैसे भी करके मान लो बर्थ के दिन तो मैं काम को खत्म कर ही लेती हूँ जल्दी, टाइम से हो गया पूरा काम। और इनको लग रही है अभी भूखी, क्या मंगाओगे इसको? इसको खाने के लिए बस खिलौने दो दोस्तों, खाने की इसके लिए कोई जरूरत ही नहीं है ना बेटा। अरे बेटा जी, और भाई दोस्तों आज मैंने इसको स्कूल नहीं भेजा, वो बिल्कुल ठीक किया क्योंकि रियल में इसके थोड़े दस्त से लग रहे हैं, तो वो भी ठीक हो जाएंगे, मेरे को पता भी चल जाएगा, नहीं तो अरे स्कूल में परेशान होता। लड्डू तो अभी इलायची आएगी तब बनाएंगे चाय। मेरे को खिलौने चाहिए इसके मामा जी के आने से भाई। हाँ हाँ यार वाली मामा मोटी वाली सही होगी, खिलौने मंगाएंगे, मंगा ला थोड़ी देर में जाओगे मामा जी। और भाई इसके मामा जी के आने से दोस्तों देखो कैसे ये पीने से आई हुई है हमारी, एक कोल्ड ड्रिंक मंगा भाई भी। क्या हो रहा है, क्यों परेशान कर रहे हो मामा जी को? तो यहाँ पे ना इतना बड़ा दिन निकलता है भाई, उसमें भी है ना सोने का कोई वो नहीं रहता,
ये मामा जी आया हुआ है, लेकिन ये भी बिल्कुल बोर हो गया आर्यन से, सबको बोर कर देता है वो, ये मान लो अभी देख रहा है टीवी। स्कूल जाएगा ना तभी ठीक रहेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है, स्कूल जाता है तब तो सही रहता है उसके लिए। तो भाई और आज तो मनीष भी पता नहीं ऐसे बोल रहा था मेरे को कि अच्छा ही नहीं लग रहा आज, क्या है इसकी जीजाजी भी ऑफिस गए ना, वो रहते हैं तब तो दोस्तों थोड़ा अच्छा लगता है, बोल भी लेता है, मैं भी थोड़ी काम करने लग जाती हूँ, ऐसे में ये अकेला सारे दिन बस गेम में लगा रहता है। ओ भाई अब खेल तो जाने की बात कर रहा है भाई, मैं कि कहीं पे भी नहीं जाना, इसके जीजाजी ने साफ मना कर दिया है दोस्तों, इसको यहीं पे रहना है, हम जाएंगे तब हमारे साथ ही जाएगा। और अभी तो टाइम देखो 4 ही बजे, धूप निकली है ना आज तो इतना अच्छा, मतलब इतना ख़राब मौसम लग रहा है सॉरी, बहुत ही ज़्यादा कि काफ़ी दिनों के बाद में निकली है धूप और बारिश आई हुई भी 1 वीक से भी ज़्यादा हो गई, इधर बारिश नहीं आ रही है दोस्तों, आई थी तब तो कंटिन्यू आई थी, सर्दी हो गई थी ये मान लो। और मुझे धूप यहाँ की ना बहुत ही गंदी लगती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, यहाँ बहुत ज़्यादा सामने आती है सीधे, ऐसे लगता है सुबह उठ के देखेंगे ना तो 6:30 बजे धूप निकली हुई रहती है ना, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे वही 7-8 बज गए, मैं तो कभी कभी डरी जाती हूँ भाई आज तो लेट हो गए। अब आर्यन भी टीवी देख रहा है तो मैं भी सोच रही हूँ दोस्तों थोड़ी सी देर सो लूँ, पर सोते तो वो मेरे को सोने नहीं देता, उठा देता है, सोने नहीं देता बिल्कुल भी। और भाई कुछ काम भी नहीं है अभी यहाँ पे, तो कुछ काम करूँ तो ये भी बात नहीं कर रहा, इसको गेम से फुर्सत नहीं मिलती, तो करूँ तो क्या करूँ, करूँ तो क्या करूँ, क्या ये आज का तो दिन ही मेरे को बहुत अजीब लग रहा है, इलायची। तो भाई आ जाओ दोस्तों, अभी मैं बना के लाई हूँ कॉफ़ी, आज चाय नहीं बनाई भाई, डायरेक्टली कॉफ़ी बना ली है, तो कभी कभार अब बनाने ही लग गए दोस्तों, अच्छी लगती है, वैसे शुरू शुरू में थोड़ी ख़राब लगती है, बाद में हम पीने लग जाते हैं ना तो ऑटोमेटिक अच्छी लगने लग जाती है, तो आज बनाई है, कभी मॉर्निंग में बना लेते हैं, वैसे बनती रोज ही मनीष के लिए बनाती हूँ, तो फिर सभी के लिए बना लेती हूँ कभी कभी, और है ना चाय की इच्छा भी नहीं हो रही थी। दोस्तों शॉर्ट्स बनाए थे इनके बिना, क्या है मेरे को अच्छा नहीं लगता है शॉर्ट्स, और दिन में मेरे को टाइम भी नहीं मिलता है, तो अभी आ गए ऑफिस से, अच्छा नहीं लगता मेरे बिना। और देखो मेरे लिए आई है मिठाई, मैंने एक एक शॉर्ट में भी बोला था मैं ज्यादा बर्फी खाती हूँ इसलिए लेके आया हूँ, जरा जरा खा के तो देख लो कैसी लग रही है, बाद में खाऊंगी भी नहीं खाऊंगी, ऐसे होने चाहिए दोस्तों पति कितना ख्याल रखते हैं मेरा, किस किस लेके आते हैं बर्फी है तो खा लो, बर्फी नहीं अभी नहीं, आप ठीक। तो अभी मैं बना लेते हैं तो बर्फी लेके आ गए थे प्याजी मीठे में, चार हलवा भी बना लेते हैं दोस्तों, तो हलवा बना रहे हैं भाई, और पार्टियों का प्रोग्राम था लेकिन पार्टियों को कैंसिल कर दिया, हलवा बना रहे हैं इसलिए, तो अभी रोटी बना लेते हैं भाई दोस्तों, अभी बज रहे रात के 10 और सभी सो गए हैं भाई, अभी मैं सो ही रही हूँ आज मतलब, तो दोस्तों फाइनली अभी बज रहे हैं भाई रात के 10, मैं भी सभी कामों से फ्री हो चुकी हूँ ऑलमोस्ट, बस अभी दूध जमा के आई हूँ, और पियाजी आर्यन सब सो गए आज, तो मैं क्या इन सब कामों में दोस्तों थोड़ी सी लेट हो गई, मेरे मतलब जो हलवा ये बनाए थे ना उससे थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, इसलिए उस टाइम का है ना मैं ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाई, पता नहीं अचानक से क्या हुआ, खाना तो अच्छे से खा लिया लेकिन खाने के जस्ट बाद में वॉमिटिंग हो गई, तो इसी वजह से मतलब ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाए दोस्तों, ना कुछ दिखा पाए कि क्या बनाया क्या नहीं बनाया, और फिर थोड़ी देर से आराम करने लगे इसी वजह से लेट हो गई दूध जमाने में, क्योंकि दूध को गर्म ही नहीं किया अभी किया है, और फिर उसको ठंडा होने के लिए रख दिया क्योंकि गर्म को फ्रिज में भी नहीं रख सकते बाकी जो दूध बचा हुआ था उसको, तो ऐसे करके सब तो सो गए, मैं सोची मैं तो मेरा काम करके सोऊंगी, ऐसे नींद भी नहीं आ सकती, देखो कैसे सो रहे हैं क्योंकि इधर है ना गर्मियाँ पड़ना स्टार्ट हो गई है दोस्तों, देखो पियाजी ऐसे बोले मैं तो नीचे ही सोऊंगा, नीचे क्या है ये आंगना है ना बहुत ठंडा रहता है, और इधर आर्यन सो रहा है,
मनीष खुश हो गया है, कूलर चला लिया है इसने। अभी बारिश है ना पूरी की पूरी। मैंने जब से मैंने एक ब्लॉग बनाया था उसमें दुआ किया था कि भाई उधर है ना बाजरे बल रहे हैं भाई, उधर जाओ इधर महाराज जी। उस दिन के बाद में तो भाई इधर मेहरी हो रही है, इधर तो ना बारिश आई ही नहीं है। मतलब 8-9 दिन हो गई दोस्तों, तो इतने दिनों में तो देखो गर्मियाँ स्टार्ट हो ही जाती है, तो धूप भी काफ़ी तेज़ पड़ रही थी। मैं तो आज ही सोच रही थी भाई कूलर में ना पानी पड़ रही, इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है, देखते हैं 1-2 दिन या तो बारिश होती है तो वापस से कूलर स्टार्ट करना पड़ेगा। और वही आज का ब्लॉग कैसा लगा आप सभी को, आशा करती हूँ बहुत ही अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग में। मेरी तबीयत है ना थोड़ी ख़राब हो रही है, और मॉर्निंग में तो आर्यन को स्कूल भी भेजना है दोस्तों, क्योंकि 1 वीक से ज़्यादा हो गई। और अब उसकी तबीयत मैंने देखा, दिन में पूरे दिन ठीक थी, बस 1-2 बार हुआ था उसके, इसलिए मैंने दवाई नहीं दी, क्योंकि दवाई उसे गर्मी हो गई है उसके पूरे शरीर में, इसीलिए दस्त हो रहे थे उसके। बाकी दवाई दिलाने जैसी कोई चीज़ है नहीं, और स्कूल से भी फ़ोन आ रहा था, तो मैं मॉर्निंग में जल्दी उठूँगी, तब जाके टाइम पर सब कुछ होगा दोस्तों। तो मिलेंगे फिर न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों।